Today's topic is optical instruments. Now first we are know about visual angle. The angle subtended at eye by an object is called angle of visual or visual angle and it is denoted by alpha. मान लो ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आई पर जितना एंगल सबटेंड करेगी वो एंगल आपका बोला जाएगा विजुअल एंगल. नेक्स्ट इज मैग्नीफाइंग पावर एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई. यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो इमेज बन रही, इमेज के द्वारा बना हुआ जो विजुअल एंगल है उसका वो और जो आपका नॉर्मल जो आई है उसके द्वारा ऑब्जेक्ट के द्वारा जो बना हुआ विजुअल एंगल है उन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो आपका क्या बोला जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर. मान लीजिए इमेज आपकी ए डैस बी डैस है तो इमेज के द्वारा बाय द इमेज जो सबटेंडेड एंगल है वो बीटा है और ऑब्जेक्ट के द्वारा सबटेंडेड एंगल कितना, एल्फा. तो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा एंड मैग्नीफाइंग पावर हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. नेक्स्ट है आपका पहला इंस्ट्रूमेंट आपका सिंपल माइक्रोस्कोप. तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ. इसमें क्या है, एक हमारा स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और एक हैंडल में आपका लगा हुआ होता है जिसकी फोकल लेंथ कम होती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड इट्स फोकस ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट. द डिस्टेंस ऑफ ए लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज एडजस्टेड टिल द इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई. द आई इज हेल्ड क्लोज टू द लेंस. नेक्स्ट इज मैग्नीफाइंग पावर. इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट एट आई वैन बोथ आर एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई. दिस इज़ द सिंपल माइक्रोस्कोप. मान लो ये आपका क्या एक कॉन्वेक्स लेंस है तो स्मॉल फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, केवल सिंगल लेंस ही होता है. तो यहाँ पे आपकी क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है ए बी, तो हमने इसे एक पैरेलल रे ले ली है हमने प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये जब रिफ्रैक्ट होगी तो फोकस से होकर के क्या चली जाएगी. और एक रे ले ली हमने इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आएगी वो आपके सेम पाथ यानी सेम पाथ पे आपकी अनदर मीडियम में आपकी क्या पास हो जाएगी, ठीक है. तो इन दोनों रे को हम क्या दोनों रिफ्रैक्टेड इन दोनों रिफ्रैक्टेड रे को हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहीं पे आपकी क्या बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी ए डैस बी डैस. हमने क्या है एक पैरेलल लाइन जो है आपकी पॉइंट ए से जो जा रही है वो हमने थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो ए वन तक हमने एक सौ एक्सटेंड कर दिया, तो ए वन ए पैरेलल है आपका बी डैस बी के, ठीक है. जो आपका ऑब्जेक्ट रखी हुई है ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस हमने स्मॉल एक्स मान लिए और लीस्ट डिस्टेंस हमने मान लिए डी, तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा. एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, ये आपकी इमेज है आपकी ए डैस बी डैस के द्वारा बना हुआ एंगल ये पूरा बीटा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बना हुआ एंगल कितना है ये एल्फा. तो यहाँ पे बट एंगल्स एल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल सो दैट एल्फा इक्वल टू टेन एल्फा, तो टेन एल्फा की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो एच अपॉन डी आ जाएगी. टेन एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन डी. एच आपकी हाइट है आपकी ऑब्जेक्ट की, तो एच अपॉन डी हो जाएगी. दूसरा आपका बीटा इक्वल टू टेन बीटा, तो एच अपॉन माइनस एक्स
बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये बीटा है आपका, ये पूरा एंगल, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एच डैश अपॉन माइनस एक्स। तो मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू एच अपॉन माइनस एक्स, एच अपॉन माइनस डी। तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, एच से एच भी कैंसिल हो जाएगी, तो डी अपॉन एक्स। तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी एम इक्वल टू डी अपॉन एक्स। कंडीशन है इसमें, केस फर्स्ट, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एज द इमेज इज वर्चुअल। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस डी और u इक्वल टू माइनस एक्स। तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी 1/-d प्लस 1/x। तो हम क्या है, बोथ साइड में हम क्या है डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी अपॉन एफ इक्वल टू डी अपॉन एक्स माइनस वन। तो डी अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी 1+d अपॉन एफ, तो एम इक्वल टू 1+d अपॉन एफ आ जाएगी। मैग्नीफाइंग पावर आपकी क्या होगी, 1+d अपॉन एफ। हैंस इफ फोकल लेंथ इज शॉर्टर देन मैग्नीफाइंग पावर इज ग्रेटर देन, यानी फोकल लेंथ जितनी कम होगी उसकी मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। के सेकेंड, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन यू इक्वल टू माइनस एक्स एंड वी इक्वल टू इन्फिनिटी देन 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/∞ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी 1/x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/x, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एक्स इक्वल टू एफ, मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू डी अपॉन एफ। ये हो जाएगा आपका रे डायग्राम जब आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे आपकी बन रही है, ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम है जब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। यूजेस बाई वॉच मेकर एंड ज्वेलर्स फॉर हैविंग मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टिनी पार्ट्स ऑफ वॉच एंड फाइन ज्वेलरी वर्क इन साइंस लेबोरेटरी, इनका यूज क्या होता है, यूज होता है।